Hey everyone, Moser here and welcome back to the channel after a short break. जैसे कि आप सभी को पता है मैं कोलकाता गई थी और विंटर इज अ टाइम ऑफ फेयर, तो हम लोग गए थे कोलकाता बुक फेयर में जो कि हो रहे हैं 31 जनवरी टू 11 फरवरी एट द सॉल्ट लेक सेंट्रल पार्क मेला कॉम्प्लेक्स एंड हियर वी आर एंटरिंग टू द बुक फेयर. Kolkata Book Fair is the world's largest non-trade fair, Asia's largest book fair and the most attended book fair. जैसे crowd देख के आप सबको पता ही चल गया होगा. हम लोगों के लिए ये book fair कोलकाता का एक बहुत ही important heritage part है. मैं हमेशा बचपन से ही इस book fair में जाती थी. This is the 43rd book fair. तो आप समझ सकते हैं 43 years से ये book fair होता आ रहा है. और ये पहले होता था मैदान में, अभी शिफ्ट होके हो रहा है सॉल्ट लेक में. अगर आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है तो दिस प्लेस इज़ हेवन फॉर यू. आप अपने हाथ में जितना भी टाइम लेके जाए, मुझे लगता उतना कम है, एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स टाइम आपको वहाँ पे देना चाहिए. वैसे तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ 4 आवर्स के लिए थे, तो हम लोगों ने ज़्यादा स्टॉल नहीं घूम पाए क्योंकि बुक्स देखने में बहुत सारे न्यूली लॉन्च्ड बुक्स मिलते हैं वहाँ पे, वो सब देखने में थोड़ा टाइम लग जाते हैं. तो इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास टाइम होगा उतना अच्छा है. और हर एक इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पे बुक मिल जाएंगे, चाहे वो स्पिरिचुअल बुक्स हो, बच्चों की बुक्स हो, साइंस फिक्शंस हो, कुछ भी हो, आपको वहाँ पे जनरल नॉलेज के सारे बुक्स मिल जाएंगे. तो सबके सब अपने हिसाब से बुक्स वहाँ से खरीद सकते हैं और एक ही जगह पे इतने सारे वैरायटी मिल जाते हैं ना, तो इसीलिए और भी ज़्यादा अच्छा लगता है. और सिर्फ बंगाली बुक्स ही नहीं, एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, जो कि और भी एक प्लस पॉइंट है बुक फेयर की. और इस बुक फेयर में हर साल बहुत सारे कंट्रीज़ अपने अपने स्टॉल्स देते हैं. तो अगर आपको कहीं पे घूमने जाना है या फिर कुछ कोई भी कंट्री का कोई बेस्ट सेलर बुक आपको चाहिए तो आपको बहुत सारे स्टॉल्स में बहुत आसानी से मिल जाते हैं. और इस बार इन लोग कोलकाता बुक फेयर का जो थीम कंट्री था दैट वाज ग्वाटेमाला, तो दिस वाज देयर स्टॉल. उसके अंदर उन लोगों का कुछ बुक्स था, उन लोगों के मतलब क्या क्या आप देख सकते गुवातेमाला जाके, दैट वाज दे वर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. और उन लोगों का कल्चर, फूड, वो सब का छोटे छोटे करके एक वो लोग उन लोगों का डिस्प्ले था. तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं, वहाँ पे खड़े होकर आप पढ़ भी सकते हैं बुक्स. तो ये बहुत सारे लोग करते हैं कि कुछ बुक्स एक पूरा दिन के लिए वो लोग जाते हैं बुक फेयर में, फिर वहाँ पे बुक्स जो भी पसंद है वो पढ़ते हैं. तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको पढ़ना है तो खरीदना ही है, वहाँ पे खड़े होके मतलब वो सारे स्टॉल्स में खड़े होके भी आप बुक्स पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है, खरीदना नहीं है तो. ग्वाटेमाला के साथ साथ और भी 14 कंट्रीज था जिन लोगों ने अपना स्टॉल दिया था, जैसे कि USA, अर्जेंटीना, वियतनाम, फ्रांस, जापान और नेपाल, बांग्लादेश, उन लोगों का सबका अपना अपना एक स्टॉल था. दिस इज़ अ स्टॉल ऑफ बांग्लादेश और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्टॉल्स थे जिसमें बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम उन लोगों का अपना जो बांग्लादेश से बुक्स है वो सब वो लोग सेल कर रहे थे. और क्योंकि कोलकाता और बांग्लादेश दोनों का लैंग्वेज सेम है बंगाली, तो यू नो वी शेयर अ बॉन्ड समवेयर. और सिर्फ बुक्स ही नहीं, एक्चुअली ये कोलकाता बुक फेयर में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं. खेती है। और ये जो स्टॉल है ये है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक स्टॉल, जहाँ पे यहाँ पे जो सारे बुक सेल हो रहे थे सारे रिटन बाय ममता बनर्जी, तो दिस आर ऑल दोज बुक्स। एंड हियर वी आर, मैं, इंद्रजीत और मेरे सासू हम तीनों गए थे। तो हम लोग अभी बाहर आ चुके हैं और वेट कर रहे हैं कार के लिए, तो हम लोग अभी घर जाएंगे। और ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट आवर 43rd कोलकाता बुक फेयर। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय।